हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लखनऊ पशु बाजार चैनल। आज हम आए हुए हैं यादव डेयरी फार्म पर और यहां से दिखाएंगे कुछ गाय जो बिक्री के लिए उपलब्ध है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। तो आज कितनी गाय अपने पास उपलब्ध है? आज 30 गाय उपलब्ध थी अपने पास। 30 गाय थी जी। तो अभी कितनी बची? अभी 5 गाय बची हैं, बाकी सब सेल हो गई। सभी सेल हो गई, 25 गाय सेल हो गई है। 25 गाय सेल हो चुकी। तो ये आज ही आई थी सारी या कुछ कल भी? कुछ कल की भी थी, 12 से 13 गाय, 14 गाय कल की भी थी जी। और आज आई कुछ आज आई थी जी, लगभग 2 गाड़ी आज आई थी। 2 गाड़ी जी। तो सभी सेल हो गई है, 5 गाय बची हैं अपने पास जी। और 5 गाय में जो है 2 साहीवाल, 4 साहीवाल और 1 राठी जी। 5 गाय बची हैं जी। और 2 गाय भी गिर में भी हमारे पास बची है जी। गिर का लॉट बृहस्पतिवार को आ रहा है जी, जिसमें 10 गाय आ रही हैं। 10 गाय आ रही जी। और आज जर्सी भी थी, एचएफ भी थी, साहीवाल भी थी, राठी भी थी जी, और क्रॉस ब्रीड भी थी, 1-2 पुरानी जर्सी भी थी जी। सेल हो चुकी जी बिल्कुल। आज जो है अपने पास यही जो है 5 गाय और 2 गाय गिर में, 7 गाय बची हुई है जी, और तो बाकी सारी गाय सेल हो चुकी है। गिर अगले लॉट बृहस्पतिवार को आ रहा है? हाँ, गिर लॉट बृहस्पतिवार को आ रहा है। बृहस्पतिवार को जो लोग गिर चाहते हैं वो बृहस्पतिवार को ही हमारे फार्म पे आके, क्योंकि वो रात को ही आ जाएगा, बुधवार की रात में, देर रात में आ जाएगा जी। तो बृहस्पतिवार को सुबह बिल्कुल देखने को मिलेगा, सभी गाय जो है बृहस्पतिवार के दिन ही हम सेल करेंगे जी। तो आज दिन मंगलवार, डेट शायद आज मंगलवार, डेट 19 है आज की, 19 है, लेकिन अब जो है हमें लग रहा है टाइम के अनुसार 20 हो गया होगा। टाइम हो चुका है 1:40 रात का हो चुका है, तो 20 तारीख हो गया है जी। अभी मैंने ट्रांसपोर्ट थोड़ा रोक दिया, ठंडक ज़्यादा है जी, तो जो रात में भी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो गई है उनको करा दिया है। बाकी जो गाय भी 12 के बाद मैंने फिर ट्रांसपोर्ट नहीं कराया है जी। 12 के बाद जो गाय है वो अभी मैंने सब अंदर बंधवा दिया, पुआल डलवा के जी। अभी बंधी हुई है, भारी भारी गाय भी है आज जी। तो उनको जो है अब हम सुबह जो है 8 के बाद ट्रांसपोर्ट कराएंगे, 8-9 बजे के बाद। तो एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। हमारा एड्रेस जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक ब्लॉक पड़ता है गोसाईगंज जी, ब्लॉक से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पे अपना फार्म पड़ता है जी, जो कि यादव डेयरी फार्म के नाम से जो है जाना जाता है जी। और अपने पास मंगलवार को ज़्यादा से ज़्यादा गाय आती हैं, सोमवार को भी गाय आती हैं जी। सोमवार के दिन भी साहिवाल के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करके गाय प्राप्त कर सकते हैं जी। और किसान भाई हमारे मंगलवार को भी जो है क्रॉस ब्रीड और साहिवाल के लिए संपर्क कर सकते हैं, अच्छी गाय हम उनको उपलब्ध करा देते हैं। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 91-98-13-15-13 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर 99-84-74-13-48। एक और कॉन्टैक्ट नंबर है 83-54-95-83-45। ये कॉन्टैक्ट नंबर छोटे वाले भाई का है, जयभान का, जो फार्म पे हमेशा आपको उपलब्ध मिलेंगे, क्योंकि हम लोग बाहर चले जाते हैं गाय लेने के लिए, तो हो सकता है किसी कारणवश हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर ना उठ पाए, तो मैं कॉल जरूर कर लिया करते हैं जी। जिन किसान भाइयों को फार्म पे आना होता है मंगलवार को फ़ोन करके वो हमारे फार्म पे आ सकते हैं। अच्छी से अच्छी गाय हम भारी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा गाय उनको आसानी से उपलब्ध करा दिया करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, क्योंकि ठंडक का महीना है, इस समय थोड़ा गायों का रहन सहन भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जी। तो इस समय गायों का रेट भी कुछ ज़्यादा जो है बढ़ा हुआ है जी, तो बहुत ज़्यादा संख्या में हम 50 नहीं पार कर पा रहे हैं जी, लेकिन ये है कि 30-35 के आंकड़े को जरूर जो है हम छू ले रहे हैं जी। तो चलिए गाय दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग पहली गाय, तो भैया इसकी क्या डिटेल हुई? ये पहली बछिया है, अभी दांत पे 4 है। नस्ल में गिर क्रॉस में है। गिर क्रॉस है ये? बिल्कुल गिर क्रॉस में है। हम बेहतरीन जी, कान मत्था जी, शांति है एकदम, बाल भंवर से एकदम शांत, ये देख थन बाट से एकदम सीधी, शांत सीधी गाय, बहुत अच्छा करेगी जी। देहात में कौन अच्छी है? पहली बछिया है, पहली बछिया फर्स्ट टाइम की है। तो अभी बच्चा देने में कितना टाइम लेगी? बच्चा देने में 20 दिन का समय ले लेगी। अभी 20 दिन का भी टाइम लेगी। पूंछ जमीन को एकदम टच करती है, ये देखते हैं आप लोग, पूंछ पूरी जमीन पे रखी हुई है, ये देख। हम्प, मत्था, हाइट सभी बेहतरीन है, एकदम पूरी तरह से स्वस्थ बछिया। तो दूध क्या उम्मीद है भैया इससे? दूध करेगी बछिया जो है 12-13 लीटर दूध करेगी फर्स्ट टाइम में। 12-13 लीटर कर देगी? 12 लीटर दूध तो कर देगी आराम से। अभी कच्ची है बछिया जी, बहुत अच्छा आर्डर भरेगी जी।
तो रेट भैया क्या रखे इसका? 15 दिन का समय ले लेगी ये, 55,000 रुपए में उपलब्ध करा देंगे। ये 55,000 रुपए जी, बहुत अच्छी बछिया है ये, देखते आप लोग पहली बछिया है, सीधी बछिया है। कितना टाइम भैया बताए? 10-12 दिन का टाइम लेगी। और भैया बता रहे दूध 10 लीटर एकदम सीधी है, घरेलू है एकदम जी, चाहे जैसे जो रखे। 55,000 रुपए मिल रही है ये, देखते हैं यादव डेयरी फार्म गोसाईगंज में, चाहे जैसे जो है, कोई बच्चा भी अगर जिसके साथ जो है रहे जी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम शांत है। ये देखते हैं काफी अच्छी गाय है, अभी कच्ची है और अच्छा ऑर्डर बनाएगी। ये देखते हैं आप लोग अगली गाय। तो ये भी कौन सी नस्ल की? ये साहिवाल में, ये प्योर साहिवाल। हाँ साहिवाल है। ये देखते हैं आप लोग साहिवाल। तो ये कौन से ब्याह में इस बार? ये दूसरी बार बच्चा करेगी। तो टाइम एकदम शांत है उसी की तरह, एकदम जी एकदम सीधी शांत। टाइम कितना लेगी भैया? टाइम अभी 20 दिन का समय लेगी। 20 दिन का समय लेगी जी। तो ये देखते हैं आप लोग, ये 20 दिन का टाइम लेगी। तो दूध क्या उम्मीद है भैया इससे? दूध ये करेगी जो है 10-11 लीटर। 10-11 लीटर कर देगी, बहुत अच्छा ऑर्डर बनाएगी। ये देखते हैं अभी और अच्छा ऑर्डर बनाएगी। अभी थनों का गैप ऑर्डर, अभी देखिए बहुत ऑर्डर बनेगा इसमें, गैप काफी है, काफी अच्छा है। बच्चा करेगी ये, अभी 15 दिन का टाइम लेगी, 15 दिन का समय लेगी, 20 दिन का समय लेगी, 20 दिन का टाइम लेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चमक की बछिया है जी, एकदम प्योर साहिवाल है जी। ये देखते, तो रेट क्या बताए भैया? 45,000। ये 45,000 मिलेगी। तो ये देखते हैं आप लोग, 45,000 रुपये मिल रही साहिवाल, प्योर साहिवाल। ये देख, ये देख ऑर्डर बहुत अच्छा बनेगी जी। ये देखते हैं आप लोग, ये देखते हैं आप लोग अगली गाय। तो ये भैया कौन सी नस्ल की? ये राठी है। और इस बार जो है दूसरी बार बच्चा दिए, 6 दांत में है। 6 दांत में दूसरी बार बच्चा, अभी 3-4 दिन की बच्चा दी हुई है। 3-4 दिन हो गए। बछिया भी इसके नीचे बहुत ही बेहतरीन है, इसी नस्ल की बछिया है, राठी नस्ल की बछिया। इसका हम दिखाते हैं फोटो, बहुत ही शानदार बछिया है। ये देखते हैं बछिया इसकी, कितनी सुंदर बछिया है। ये देख नाभि, गलकम्बल, हम्प सभी बेहतरीन है इसका जी। इसकी बछिया है प्योर राठी बछिया है, ये देख बहुत ही बेहतरीन सर इसका। नाभि के मामले में देखा जाए तो बहुत अच्छी नाभि है। तो भैया दूध कितना तैयार है इसके पास? दूध इसमें अभी प्रेजेंट में 10-11 किलो है। 10-11 किलो तैयार जी। तो ये देखते हैं ऑर्डर, अभी 3-4 अभी दूध निकल गया है इसका, दूध निकल चुका है। हाँ, 1 बज रहा है भैया जी, रात का 1 से ऊपर हो गया है जी। ये देखते हैं, ये देख हम भी बहुत बेहतरीन है जी। तो क्या रेट रखे भैया इसका? इसका 45,000 रुपये। ये 45,000 रुपये में? 45,000 रुपये में। ये देखते आप लोग, ये 45,000 रुपये मिल रही प्योर राठी है। बछिए देखते हैं इसकी, ये भी प्योर राठी, ये देख काफ़ी अच्छी है। 45,000 रुपये दूध 10-11 किलो तैयार इसके पास। ये देखो तो ये देखते हैं आप लोग अगली गाय। तो भैया इसकी कहते हैं ये साहिवाल है और बछड़े को जन्म दी है। बछड़े को जन्म दे चुकी है। हाँ जी। कितने दिन हो गए इसका? अभी परसों बच्चा हुआ है। परसों बच्चा दिया जी। तो दूध कितना तैयार है इसके पास? दूध अभी जो है 8-8 किलो आया है इसमें। 8 किलो तैयार है जी। तो कुछ बढ़ने की उम्मीद? हाँ दूध देगी, 10 लीटर दूध देगी। 10 लीटर कर देगी जी। तो कौन से ब्याह में बच्चा किया इसने? इस बार तीसरी बार बच्चा किया, बछड़ा दिया है। तीसरी बार बच्चा किया, बछड़े को जन्म दिया। क्वालिटी में बेहतरीन है। ये देखते हैं आप लोग, प्योर साहिवाल है। ऑर्डर देखते हैं कितना अच्छा बना, दूध निकल चुका है इसका। ये देख काफ़ी अच्छी है। तो रेट क्या रखे भैया इसका? रेट इसका 45,000। ये 45,000 रुपये में जी। तो ये देखते हैं आप लोग, 45,000 रुपये में ले प्योर साहिवाल गए। ये देखते हैं तीसरे ब्याह में बच्चा किया इसने। कितने दिन हो गए भैया? 3 दिन हुआ है भैया। 3 दिन हुआ बच्चा जी इसको। 8 लीटर दूध तैयार, 10 लीटर दूध भैया बता रहे हैं आराम से करेगी। ये देख तो ये देखते हैं आप लोग अगली गाय। तो ये भी है कौन सी नस्ल की? ये गिर है, प्योर गिर है। तो ये देखते और ये जो है जी बछड़े को जन्म दी है। बछड़े को जन्म दिया इसने। कितने दिन हो गए इसका दूध? बच्चा दिए हुए हो गया है 8 दिन। 8 दिन हो गए बच्चे जी। तो दूध कितना तैयार है? सीधी गाय है, 9 लीटर दूध, 10 लीटर दूध आ गया है इसमें। 9-10 लीटर दूध तैयार, उस जमीन में एकदम टच कर रही है। ये देखते हैं आप लोग, जमीन में दूहने बनाने में एकदम, दूध निकालने में एकदम सीधी, एक कलर की गाय है। तो कौन से ब्याह में इस बार ये भी है? इस बार जो है तीसरी बार बच्चा दी है। तीसरी बार बच्चा किया जी।
तो दूध तो निकल चुका होगा इसका? दूध निकल गया सब, अभी जो है सभी का दूध निकला है जी, क्योंकि अभी रात का 1 बज रहा है जी। और अभी जो है क्योंकि मंगलवार के दिन जब लोग आते हैं तो हम शाम को थोड़ा जो है, सुबह तो दुहान होता है 9-10 बजे जी, लेकिन शाम को दुहान लोग रहते हैं तो इसलिए जो है जो गाय जो लेता है उसको दुहान करके देख लेता है, वरना जो गाय बचती है उनका फिर उसके बाद दुहान कर देते हैं जी। तो ये गाय जो है अभी इनका दुहान हो चुका है, लेकिन अच्छी गाय है जी। तो रेट क्या रखे भी इसका? इसका हम जो है 70,000 रुपए में ये 70,000 उपलब्ध करा देंगे जी। तो ये देखते हैं आप लोग तीसरे बैच में, बहुत ही सीधी है, कोई भी इसका दूध निकाल सकता है, छोटा सा बच्चा बैठ के दूध निकाल सकता है। तैयार है इसके 70,000 रुपए मिल रही है। तो ये देखते हैं आप लोग प्योर गिर है 70,000 रुपए मिल रही है, बहुत ही तीसरे बैच में चेक किया 10 लीटर दूध तैयार है इसके पास। ये देखते, तो ये देखते हैं आप लोग अगली गाय, ये भी भैया गिर है। हाँ ये भी गिर है, भावनगर ब्लड लाइन की है जी, भावनगर। तो इसने बच्चा दे दिया? बच्चा दे दिया, बछड़ा दिया, बहुत ही बड़े कान की गाय है, सींग भी बहुत बेहतरीन है इसका, काबरी है जी। ये देखिए आप लोग दूध कितना तैयार भी इसके पास दूध, ये भी जो है इसमें मौके पे 10 लीटर दूध आ गया है, 10 लीटर दूध तैयार। परसों बच्चा दिए, बछड़ा ये भी दिए है। कौन से बात, तीसरी बार बच्चा दिए, तीसरी बार इसने बछड़े को जन्म दिया जी। तो 3 दिन भैया इसको बता रहे हैं, बछड़े को जन्म दिया इसने, 3 दिन हो गए बच्चे दिए, दूध 10 लीटर इसके पास मौके पर तैयार है। इसका दाम बढ़ने की उम्मीद, दूध बढ़ेगी भी, 80,000 रुपए इसका दाम रखे हैं, बेहतरीन है। तो ये देखिए आप लोग, ये 80,000 रुपए में मिल रही, काफी अच्छी गाय है, ये सबका दूध निकला हुआ है, दूध निकल चुका है इसका, ये देखते आप लोग। तो भैया ये गाय जो बनी है ये सेल हो चुकी है? सभी गाय जो है सेल हो चुकी है जी, सभी बेहतरीन अच्छी गाय है जी, और ये सभी सेल हो चुकी हैं जी। ये सभी सुबह जो है ट्रांसपोर्ट होना है इनका जी, क्योंकि ठंड का महीना था, काफ़ी रात देर हो चुकी, ड्राइवर भी काफ़ी थके हुए थे, क्योंकि कल से भी काफ़ी गाय जो है ट्रांसपोर्ट हुई है जी, तो आज भी काफ़ी गई थी और फिर आज रात को गई, तो इसलिए जो है गाय सब सुबह जो है 9 के बाद जो है ट्रांसपोर्ट होंगी जी। तो ये देखते हैं आप लोग, ये सब सेल हो चुकी हैं गाय, ये सब सेल हुई बनी, ये देखते हैं व्यवस्था करा दी गई इनकी, और जो आए थे खरीदने ग्राहक उनकी भी व्यवस्था अच्छी लेटने की वो सब आ रहा है। जो लोग इन गायों को खरीदे हुए हैं बाहर से आके, उन किसान भाइयों को हम शाम को खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था बिल्कुल करा दी है, दिखाते हैं आपको जो है। चलिए ये देखते हैं आप लोग, ये सब आराम से बैठे, ये देखिए आप लोग, ये सब गाय ये भी सेल हो चुकी है, इनका वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ये सारी गाय जो है सेल हो चुकी है, इनका डिटेल भी सुबह हम दे देंगे जी। अगले राठी है, पुरानी जर्सी है जी, साहिवाल है और गिरलैंडो है जी, ये देखते और जर्सी क्रॉस, तो सारी गाय जो है सेल हो चुकी है जी। कुछ किसान भाइयों ने इकट्ठे जो है 7-8 गाय जो है ली है जी, तो सारा डिटेल हम आपको सुबह जो है एक एक गाय का बता देंगे। काफ़ी समय हो चुका है, थकान भी काफ़ी ज़्यादा है जी, चेहरे पे ठंडक भी लग रही है, समय ज़्यादा हो चुका है, 1:30-2 बजने के करीब है, और 3 दिन से लगातार जो है हम सफ़र भी कर रहे हैं जी, बराबर गाय आ रही हैं, किसान भाइयों को भी समय दे रहे हैं, तो इसमें जो है सुबह इन गायों का डिटेल हम पूरी तरह बताएंगे जी, और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी गिर बृहस्पतिवार को तो आ ही रही है, सभी किसान भाइयों को जो बराबर जुड़ रहे हैं हमसे, बराबर जुड़ते जा रहे हैं, उनका प्यार स्नेह मिलता जा रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखते हैं आप लोग, इतनी गाय कुछ बिक्री के लिए उपलब्ध थी, अगर कोई लेना चाहे तो आ सकता है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखते हैं आप लोग, ये इतनी गाय बिक्री के लिए उपलब्ध थी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग चैनल से और हमारे डेयरी फार्म से जुड़ सकें और अच्छी गाय खरीद सकें। धन्यवाद।